गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये है डायग्राम। जिस तरीके से मेल में हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे मेल में इसेंशियल ऑर्गन टेस्टिस थे, वैसे फीमेल में सबसे इसेंशियल ऑर्गन्स कौन से हैं? ओवरीज। ठीक है, ओवरीज होते हैं। एंड जैसे मेल में दो टेस्टिस होते हैं, वैसे ही सेम वे फीमेल में भी दो ओवरीज होते हैं। जिस तरीके से मेल में टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह फीमेल में ओवरीज फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है ओवम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट इसेंशियल ऑर्गन कौन से है? ओवरी। ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये है ओवरी। ठीक है, ओवरी। एंड ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसेंशियल ऑर्गन टेस्टिस के दो फंक्शंस थे, मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करना एंड दूसरा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना, मेल हॉर्मोन जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इसेंशियल ऑर्गन है ओवरी है, एंड ओवरी के दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है गैमेट प्रोड्यूस करना जो कि ओवम है, एंड सेकेंड फंक्शन है हॉर्मोन प्रोड्यूस करना, और फीमेल हॉर्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। मेल हॉर्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हॉर्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो ये है ओवरी, एंड इस ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है? ओवम प्रोड्यूस होता है। तो ये एक ओवम है, एंड ओवम इज नथिंग बट एग। ये एग के जैसा होता है, जैसे मुर्गियां अंडे देती है, वैसे ही सेम फीमेल ह्यूमन जो है उनके एग बॉडी के अंदर ही रहता है। एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये आपके हाथ के पाम के साइज का होता है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, हाथ के पाम के साइज का ही होता है पूरा ऑर्गन। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये एब्डोमेन के लोअर पार्ट में सिचुएटेड है। अब ये जो दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर, ये दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर आके एक ही कॉमन पॉइंट पे आके ओपन होता है, और वो क्या है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो आपको हाथ जैसा दिख रहा है इसका नाम है फलोपियन ट्यूब। इसका एक और नाम है, वो है ओवी डक्ट। ठीक है, हो गया ये वाला। अब ये जो दोनों तरफ से आके मिल रहे हैं, मैंने बता दिया ये आके कॉमन पॉइंट पे ओपन होते हैं, इनका ओपनिंग जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं। वो कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर इसको हम बीच में से काटेंगे तो हमें इसके अंदर एक वॉल दिखेगा। ठीक है ना, एक वॉल दिखेगा। तो वो वॉल कुछ ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ये वॉल आपको अंदर दिखेगा। इसको बीच में से काटने के बाद ये फुल ऐसा होता है, बैग के जैसा पूरा एक कवर, पूरा बैग के जैसा एक पाउच के तरह होता है पूरा। ठीक है, ऐसा। तो इसको अगर हम बीच में से काटेंगे तो हमें इसके अंदर जो वॉल नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से होता है, और इस वॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंड ये जो बैग लाइक पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम है यूटेरस। ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? यूटेरस। इसको काटेंगे तो अंदर जो वॉल हमें दिखेगा उस वॉल का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम में ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है ब्लड। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा यहां पर ब्लड कैसे है और क्यों है। ओके, अब देख लेते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो लोअर से ऊपर की तरफ एंडिंग पार्ट है, और ऊपर मीन्स ये दोनों का ये एक जंक्शन है, यहाँ पर ये ओपनिंग एक ओपनिंग है। तो ये है सर्विक्स। ठीक है, एंड ये जो नीचे का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसका नाम है वजाइना। तो वजाइना जो है ये जैसे मेल में पीनस है या फिर पेनिस है, ठीक है, उसी तरह फीमेल में वजाइना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। जिस तरीके से
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता था एंड उसको एपिडिडाइमस में स्टोर करके रखता था, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी ओवम प्रोड्यूस करने के बाद ये जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्या करता है, ओवम को अपने तरफ खींचता है, और ओवम को जब वो खींचेगा अपनी तरफ, वो ओवम अंदर से होते हुए यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर यूटेरस के अंदर आता है। नाउ ये अंदर आएगा कैसे, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था उसमें स्पर्म का फ्लैजेला था जो टेल होता है स्पर्म का, और वो उसको मदद करता है स्विम करने में, मूवमेंट करने में, बट यहाँ पर ओवम के पास कोई भी पार्ट्स नहीं है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये जो फोलोपियन ट्यूब है इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया बोलते हैं, ठीक है ना। सीलिया जो है वो इस कंटिन्यूसली, वो सीलिया जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे मूवमेंट करता रहता है, और जिसके वजह से जो ओवम है वो धीरे 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 यहां से पास होता है, होते 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 ये ओवम ही है जो मैंने यहां बना के रखा है, ये धीरे धीरे पास होते होते यहां तलक आता है, ठीक है। ओके, अब यहां पर आने के बाद वो स्पर्म का वेट करता है। नाउ वजाइना से जब स्पर्म ऊपर की तरफ आएगा, स्पर्म यहां आएगा, ठीक है, एंड इसके साथ जब फ्यूज करेगा स्पर्म, तो ये क्या बन जाएगा फ्यूज करने के बाद, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। फ्यूज करना मींस फर्टिलाइज होना, हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहां पर भी ये एग ओवम जैसे ही स्पर्म के मिलने के बाद फर्टिलाइज हो जाएगा, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम के इसमें वो जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ जाके फिक्स हो जाएगा, इस वॉल में जाके फिक्स हो जाएगा। नाउ यही धीरे धीरे क्या बनेगा, यहां पर मैं नहीं बना रहा, मैं नीचे बना के दिखाता हूं, एक्चुअली यहां पर ही वो बनेगा, धीरे धीरे उसका क्या बनना चालू हो जाएगा, उसका एम्ब्रियो बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो बनना चालू हो जाएगा इसका, जाइगोट का, धीरे धीरे। एंड उसके साथ यहां पर एक ट्यूब जैसा कनेक्शन रहेगा, एक ट्यूब जैसा कनेक्ट हो जाएगा जो एंडोमेट्रियम के साथ और ये एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस ट्यूब लाइक कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लेसेरिटा, जिससे एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड है उससे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। जैसे प्लांट के रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि एंडोस्पर्म जो था उससे जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, यहां पर ये एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड है उससे एम्ब्रियो को प्लेसेरिटा के थ्रू क्या मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम है प्लेसेरिटा। नाउ इन केस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, ओवम यूटेरस में आके वेट करता है स्पर्म का, लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम का जो वॉल है ये ब्रेक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। एंड ब्रेक होने के बाद ये सारा ब्लड यहां पर यूटेरस में जमा होता है एंड वो वजाइना के थ्रू निकल जाता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके बाद का टॉपिक है, वो मैं पूरा कवर करूंगा, उसमें पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। यूटेरस का फंक्शन क्या है, बेबी को शेल्टर प्रोवाइड करना, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंड इसका जो भी वेस्ट होगा वो भी प्लेसेरिटा के थ्रू ही वो पूरा वेस्ट निकलेगा एंड उसको न्यूट्रिशन भी वहीं से मिलेगा, वो फंक्शन उसी में होता है, ठीक है। एंड चौथा फंक्शन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये दोनों वॉल ब्रेक होने के बाद पूरा का पूरा जितना भी वेस्ट है वो यहाँ पर कलेक्ट होगा एंड देन वजाइना के थ्रू निकल जाएगा। तो हमने देख लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, तो एक और बार देख लेते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो यूटेरस है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड ये पूरा ऑर्गन आपके पाम के साइज का होता है, जिसमें दोनों तरफ हैंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। दोनों के साथ कनेक्टेड ओवरीज है जो दोनों तरफ है, ओवरीज का काम है ओवम प्रोड्यूस करना
एंड ये जो फिलोपियन ट्यूब है उस ओवम को वो खींचेगा, उसके अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स है जो उस ओवम को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, उसको लेके जाता है कहाँ तक, इस यूट्रस के अंदर तक लेके जाता है। देन वहाँ पर उसको स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज होगा, अगर नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो फर्टिलाइज अगर होगा तो वो जाइगोट में चेंज हो जाएगा, एंड जाइगोट में चेंज होने के बाद वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा। एंडोमेट्रियम वॉल वो है, ये जो यूटेरस है ये एक पूरे बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बीच में से काटेंगे तो हमें ये वॉल दिखेगा जिसका नाम है एंडोमेट्रियम वॉल। तो जाइगोट एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, देन धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट चालू होगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, बेबी का डेवलपमेंट पूरा वहीं पर होता है। एंड देन यहाँ पर बेबी के साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम है प्लेसेंटा, जिससे बेबी को न्यूट्रिशन मिलता रहता है एंड बेबी का जो भी वेस्ट है वो भी उससे निकलता रहता है। एंड इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम जो है एंड ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये ब्रेक हो जाएगा, ये सारा ब्लड एंड उसका पूरा वेस्ट यहाँ पर जमा हो जाएगा, देन वजाइना के थ्रू निकल जाएगा और ये फिर यही साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इसेंशियल ऑर्गन क्या है, ओवरी है। एंड ओवरी का दो मेन फंक्शन क्या है, उस गेमेट प्रोड्यूस करना जो कि ओवम है एंड हार्मोन प्रोड्यूस करना जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन है।